कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, जिसे हम एडिजिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। और जैसा कि इसका नाम है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें हमारे कंधे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हमारे मूवमेंट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो हम हाथ अपना ठीक से ऊपर नहीं उठा पाते हैं, उठा लेते हैं तो फिर नीचे लाने में दिक्कत होती है और हमें पेन होता है ये सब मूवमेंट करने में, और हमारा हाथ जो होता है वो जाम हो जाता है। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि हम अपने कंधों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन हम अपने कंधों का इस्तेमाल करना बंद क्यों करते हैं? क्योंकि हमको चोट लग जाती है, हमारे हाथ के ऊपर वाले हिस्से में कहीं चोट लग जाए, हमें रोटेटर कफ में टेयर आ जाए, या हमारे यहाँ पर इस जगह पर चोट लग जाए, या पीछे यहाँ पर हो जाए, कोई भी ऐसी चोट लग जाए जिसमें हम अपने हाथ का इस्तेमाल करना, कंधों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो उस जगह पर क्या होता है कि यहाँ जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कैप्सूल जॉइंट में जो ये फिक्स रहता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यूज इसके ऊपर से इसको घेरे हुए रहती है और काफ़ी मजबूत होती हैं। तो उन कनेक्टिव टिश्यूज में जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है तब जो है हमारे कंधे जो हैं वो जाम होने लगते हैं। इसके अलावा ये किसी भी एज में आपको हो सकता है। अगर आपको चोट लग गई है, कम एज भी है आपकी, आप 20s में भी हैं लेकिन आपको चोट लग गई है और आपने यहाँ पे मूवमेंट करना बंद कर दिया है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर धीमे धीमे हो जाता है। और 40 प्लस जब आपकी एज चली जाती है तो इसके होने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद जिनको थायराइड होता है, चाहे वो हाइपर हो चाहे वो हाइपो हो, तो उनको भी थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहती हैं इसके होने की। बाकी ये इसमें ठीक होने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक लगता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा हुआ है और आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि आपको हैंड मूवमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप हैंड मूवमेंट करेंगे नहीं, अगर एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो फिर उसमें आपको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए फिर हमने थोड़ा सा जान लिया फ्रोजन शोल्डर के बारे में, अब चलिए बढ़ते हैं और करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पर। और इसमें हमको क्या करना है, ऐसी कोई चीज़ ले लेनी है जिस पर हम इस तरीके से टेक लगाकर खड़े हो सकें। अब हमको क्या करना है, अपने हाथ को जिस भी कंधे में, जिस साइड भी आपके कंधे में फ्रोजन शोल्डर है, जो भी कंधे में आपको प्रॉब्लम है, उस साइड के हाथ को आपको इस तरीके से लटका देना है एकदम। अब हमको क्या करना है, मूवमेंट करने हैं, अपने हाथों का मूवमेंट करना है। लेकिन हम खुद अपने कंधों को आगे पीछे, हाथ को आगे पीछे नहीं करेंगे, हम हाथ को एकदम ढीला छोड़ देंगे। और अब हम मूवमेंट कैसे करेंगे, अपनी बॉडी को आगे पीछे ले जाकर। जैसे अब आप जैसे कि देख सकते हैं, तो ये मैं हाथ, अपने हाथ को बिल्कुल नहीं हिला रहा हूँ, ये मैं अपनी बॉडी के मूवमेंट से इस हाथ को आगे पीछे कर रहा हूँ। तो ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हमारा जो कंधा जो फ्रीज हो गया है, तो उसको छुड़ाने का, ये जो चिपक गया है हमारा कंधा, अकड़ गया है, जकड़ गया है, इसको वहाँ से छुड़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसको आप पहले आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाथ मैंने ढीला एकदम छोड़ दिया है और मैं अपने बॉडी मूवमेंट से, अपने पैरों की मदद से और हाथ की मदद से इस वाले अपने बॉडी को आगे पीछे कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से ये हाथ भी आगे पीछे जा रहा है। और इसके इसको आपको 1 मिनट तक करना है, और 1 मिनट के बाद आप अगर कर सकते हो तो एक और इसमें मूवमेंट कर सकते हैं सर्कुलर, इस तरीके से। ऐसे आपको बॉडी को आप घुमाना है कि आपका हाथ जो है वो गोल गोल इस तरीके से घूमे। तो ये भी वहाँ कंधों को छुड़ाने के लिए, जो चिपक गया है उसको छुड़ाने के लिए ये मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप इसको तभी करिएगा जब आप कर सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो इसको भी आप 1 मिनट तक कर सकते हैं, टाइमर लगा लीजिए। और हमने जो पहले सीधे हाथ जो ले जा रहे थे, इसको आपको 1 मिनट करना है, और उसके बाद आपको ये वाला गोल वाला सर्कुलर मूवमेंट भी करना है 1 मिनट, जिसमें हम गोल गोल अपने हाथों को ले जा रहे हैं अपने बॉडी मूवमेंट से। हमने हाथों को अपने ढीले छोड़ रखा है, लेकिन हम बॉडी मूवमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे हाथ जो है ये गोल गोल घूम रहा है। और इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा वेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डंबल लेके दिखा रहा हूँ, आपको डंबल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बोतल में आप पानी भर लीजिए, तो थोड़ा वेट हो जाएगा, और उसको इस तरीके से पकड़ लीजिए, और फिर आप उससे भी इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज और भी बढ़िया होगी। ये हमने पहले सीधे वाला कर लिया, सीधे वाला मूवमेंट हो गया हमारा, उसके बाद फिर हम गोल वाला हमारा मूवमेंट, ये वाला भी हो गया। तो चलिए ये वाली एक्सरसाइज हमारी पहली हो गई, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी उंगलियों को दीवार पर चलाएंगे। तो हम दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे, ताकि हम कंधों को थोड़ा सा खोल कर उंगलियों को ठीक तरीके से चला सकें। और इसमें हमको पोजीशन क्या बनानी है, हमारे कंधे जो हैं वो दीवार की तरफ रहेंगे एकदम, और हम एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे। और एक्सरसाइज करते समय हम इधर उधर झुकेंगे नहीं, हम बिल्कुल सीधे रहेंगे, हमको बिल्कुल भी ये पोजीशन छोड़नी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम उंगलियों को इस तरीके से दीवार पर रखेंगे। आप ये थोड़ा सा अंदर भी रख सकते हैं, मैं आपको बाहर इस तरीके से थोड़ा निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब हमको क्या करना है कि उंगलियों को हमको अब धीमे धीमे चलाते हुए
ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाने की कोशिश करनी है। तो बहुत से लोगों को क्या होगा कि यहीं पर पेन शुरू हो जाएगा, जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा जकड़ गए हैं कंधे, तो उनको यहीं पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको दर्द होना शुरू हो जाए उसके ऊपर आपको ज़बरदस्ती नहीं जाना है, फिर आपको फिर नीचे चलने लगना है। फिर नीचे आने के बाद आप फिर ऊपर जाने की कोशिश करिए, और फिर आप जब उस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो आपको फिर से पेन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको वहीं पर रुक जाना है और फिर आपको नीचे धीमे धीमे आ जाना है इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि जहाँ तक आप जा पा रहे हैं वहाँ पर आप एक पेंसिल ले लीजिए और वहाँ पर आप मार्क लगा लीजिए कि आप यहाँ तक आ पा रहे हैं। तो आप धीमे धीमे जब इस एक्सरसाइज की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो उंगली है वो धीमे धीमे उस मार्क के ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि आपके कंधे जो हैं वो खुलने लगेंगे, तो वो उंगली आपके मार्क के ऊपर धीमे धीमे जाने लगेगी। और उसके बाद क्या करना है कि आप जैसे आप यहाँ पर पहुँच गए और आपका हाथ थक गया है तो आप यहाँ पर रेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको हाथ में कंधों में थकान लग रही है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले लीजिए और फिर आप इसके ऊपर भी अगर जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। बस ये कि दर्द बहुत ज़्यादा ना हो, और अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको नीचे चलना शुरू कर देना है। और अगर आप ऐसे चलते चलते अगर आप यहाँ तक आ जा रहे हैं, ऊपर तक यहाँ तक आ जा रहे हैं, तो उसका मतलब आपका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छा हो गया है और आपका जो फ्रोजन शोल्डर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारी वॉल क्लाइंबिंग या वॉल वॉकिंग एक्सरसाइज जो है, जो हम फिंगर से करते हैं, वो हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं वॉल एंजल। तो ये कंधों के दर्द में भी की जाती है और ये फ्रोजन शोल्डर में भी की जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दीवार से थोड़ा सा आगे ऐसे खड़े हो जाएंगे और अब हम पीछे जाकर ऐसे दीवार से ऐसे टेक ले लेंगे। तो हमारे कौन कौन से बॉडी के पार्ट जो है वो दीवार से छूएंगे, हमारे हिप छू रहे हैं, हमारी कमर छू रही है, हमारे दोनों कंधे का पीछा वाला हिस्सा छू रहा है, और हमारी शोल्डर ब्लेड्स दीवार से छू रही हैं, और हमारा जो सर है ये दीवार से छू रहा है। तो ये सब चीज़ें दीवार से चिपकी रहेंगी। अब हमको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे खोलना है और उसके बाद फिर दोनों हाथों को धीमे धीमे उठाकर हमको ऊपर ले जाना है, और हमको कोशिश करनी है कि दोनों हाथ ऊपर जाकर एक दूसरे के पास आ सकें या छू सकें। अब इसमें क्या होगा कि आपके जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर होगा, जो भी साइड आपकी फ्रीज होगी, वो वाला हाथ जो है आपका नहीं उठेगा। मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर है, तो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि मेरा हाथ अब यहीं पर आकर अटक गया, तो हमको ये वाले हाथ को अब और ज़्यादा उठाने की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी आप दूसरा वाला हाथ अपना उठा सकते हैं, जितना आप ले जा सकते हैं ऊपर। बाकी इस वाले हाथ को आप वहीं पर छोड़ दीजिए जहाँ तक आप ले जा पा रहे हैं, और उसके ऊपर ले जाने पर आपको पेन हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती ऊपर नहीं ले जाना है। फिर ये एक्सरसाइज जब आप धीमे धीमे करते रहेंगे तो आपकी जो ये रेंज ऑफ मोशन है ये सुधरती चली जाएगी, और आपका हाथ जो है, जो फ्रीज वाला है, जो जाम हाथ है, वो पहले से ज़्यादा ऊपर धीमे धीमे जाने लगेगा। तो ये एबडक्शन मूवमेंट हम कर रहे हैं, और ये हम अपनी रेंज ऑफ मोशन को सही करने के लिए, अपने जाम कंधों को सही करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप इसके 8 से 10 रेप लगा सकते हैं दिन में, और इसके आप चाहें तो 2-3 सेट लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर की। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे रोटेशन एक्सरसाइजेस। तो इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सटर्नल रोटेशन करना, क्योंकि जब भी हमको फ्रोजन शोल्डर होता है तो हम एक्सटर्नल रोटेशन हमारा जो होना है वो बंद हो जाता है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आप दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरीके से कमर के साइड में इस तरीके से चिपका लीजिए। पहले आप हाथ अंदर ऐसे लाइए इस तरीके से, ये आपका इंटरनल रोटेशन हो रहा है। अब हम एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से दोनों हाथ ऐसे खोलने हैं, और ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोहनियाँ जो हैं वो साइड में चिपकी रहनी चाहिए, और आपको बस इतना खोलना है जितना आप देख रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी नहीं होगा, और आपको ज़बरदस्ती करनी भी नहीं है। आपको इससे ज़्यादा पीछे ले जाकर या दीवार को छूने की कोशिश नहीं करनी है। बस आप पहले इंटरनल रोटेशन आप इस तरीके से करिए, उसके बाद आप एक्सटर्नल रोटेशन इस तरीके से करिए। यहाँ पर आके थोड़ा सा आप पीछे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और यहाँ पर आप 1-2 सेकंड से रुक कर फिर आप अंदर की तरफ आइए। तो इसके आप 8 से 10 रेप लगा सकते हैं, और इसके आप 2 से 3 सेट्स लगा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई रोटेशन वाली। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसमें हम शोल्डर मूवमेंट सिर्फ करेंगे। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप दीवार के सामने ही करिएगा, क्योंकि एंड में हमको एक चीज़ दीवार से करनी है, तो हम अभी देख लेंगे बाद में। पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल है। इसमें हमको कंधों को इस तरीके से
आगे ले जाना है, आगे की तरफ ऐसे घुमाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 से 10 बार आप इसको कर सकते हैं। और इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। 2 सेट भी आप लगा लेंगे तो बहुत है, 3 सेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 सेट ही आपको बहुत होगा। आपका मन करे तो आप 3 सेट लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको 8 से 10 बार पहले कंधों को आगे की तरफ ले जाना है और फिर पीछे की तरफ इस तरफ ऐसे घुमाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको 8 से 10 बार करना है और फिर सामने की तरफ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसे आपको 8 से 10 बार करना है, आगे भी और पीछे भी। और उसके बाद क्या करना है, आपने 2 सेट लगा लिए इसके या 3 सेट लगा लिए अपने हिसाब से, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों कंधों को एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आपको दोनों कंधों को पीछे की तरफ ऐसे स्क्वीज करना है और दीवार की तरफ ले जाने की इसको कोशिश करनी है। दोनों कंधों को पीछे की तरफ आपको ऐसे स्क्वीज करना है, दबाने की कोशिश करनी है और दीवार की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करनी है, जितना आप ले जा सकते हैं। तो जो दोनों आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो पास आ जाएंगी और आपका रोम्बॉइड जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4-5 सेकेंड ऐसे रुकिए इस तरीके से, जितना आप स्क्यूज कर सकते हैं उतना आपको करना है, 4-5 सेकेंड्स आप रुकिए और फिर आप रिलैक्स कर दीजिए। बस आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है ये हो गई है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम स्ट्रेचिंग करेंगे और इस एक्सरसाइज का नाम है चेस्ट क्रॉस स्ट्रेच। तो हमको अपने हाथ को क्या करना होता है, चेस्ट को क्रॉस करते हुए हमको ये वाला शोल्डर भी क्रॉस कर देना है, जितना हम हाथ अपना खोल सकते हैं और इस तरीके से ले जा सकते हैं हमको लेके जाना है, और दूसरे हाथ से हमको कोहनी के नीचे इस तरीके से पकड़ लेना है। बस इसमें एक ये है प्रॉब्लम कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा हो गया होता है उनको ये एक्सरसाइज करने में पेन बहुत होता है, तो वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले कर सकते हैं तो फिर आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या इसमें, जैसे कि आपने देखा कि हमने इस तरीके से हाथ को पकड़ लिया है, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस हाथ से इस वाले हाथ को अंदर की तरफ दबाना है, जिससे हमको अपने कंधे के बीच वाले फाइबर्स में स्ट्रेच महसूस होगा बहुत अच्छा। तो हम ये इस वाले हाथ से इस वाले हाथ को खींच रहे हैं अपने अंदर की तरफ, तो हमारे कंधे के पीछे काफ़ी हमको बहुत अच्छा स्ट्रेच एक महसूस हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि इस वाले हाथ को जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं इसको आपको एकदम ढीला रखना है, इसमें इसको आप टाइट मत करिएगा, इसको आप एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा और आपको इस हाथ की मदद से ही इसको अंदर की तरफ दबाकर स्ट्रेच करना है। फिर यही चीज़ आपको इस तरफ रिपीट करनी है। हमने हाथ उठाया अपना जितना हम क्रॉस कर सकते थे, अपने चेस्ट और शोल्डर को हमने क्रॉस कर लिया, इस हाथ से हमने पकड़ा और फिर हम इसको अंदर की तरफ दबा रहे हैं और हमको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच जो है महसूस हो रहा है। तो ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस चीज़ की हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जिस कैप्सूल की हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत पेन होने लगता है जब हमको फ्रोजन शोल्डर होता है। चलिए फिर ये एक्सरसाइज भी हो गई है, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, तो इसमें हमारा हैंड मूवमेंट नहीं होगा लेकिन हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम अपनी मसल्स को इसमें मजबूत करने के लिए करेंगे। तो हम अपने फ्लेक्सर्स को मजबूत करेंगे, एबडक्टर्स को मजबूत करेंगे और एक्सटर्नल रोटेटर्स को मजबूत करेंगे, जिससे हमारे जो कंधों में जो दर्द वगैरह हो रहा है उसमें हमको आराम मिल सके। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने फ्लेक्सर्स को मजबूत करने के लिए। तो हमको इसमें क्या करना है कि आपको अपनी कोहनी इसमें एकदम सीधी रखनी है इस तरीके से, और अपने हाथ के इस पंजे को इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऐसे दीवार से आपको इस तरीके से इसको चिपका देना है, दीवार से थोड़ा सा दूर आपको खड़ा करना है और ये कोहनी है इसको आपको एकदम सीधी कर लेनी है और हाथ को इस तरीके से आपको दीवार से चिपका देना है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको दीवार को धक्का देना है इस हाथ से। तो मैं यहाँ पर दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं, फ्लेक्सर्स मसल्स जो हैं, या हमारी एंटीरियर डेल्टॉइड की जो मसल है वो इससे मजबूत हो रही है, जो सामने वाला हिस्सा होता है कंधे का वो मजबूत हो रहा है। तो इसको आप 5-6 सेकेंड आप होल्ड करिए और उसके बाद फिर आप ले आइए, और यही चीज़ आप दूसरे हाथ से रिपीट कर सकते हैं। तो हमने फिर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं और हम यहाँ 5-6 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे और फिर हम ये रिपीट करेंगे। तो इसको आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम एबडक्टर्स को ट्रेन करेंगे। तो एबडक्टर्स क्या होते हैं, हमारे हाथ को हमारी बॉडी से दूर ले जाने में मदद करते हैं, तो उनको हम मजबूत करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोहनी हम वैसी सीधी रखेंगे जैसे हमने रखी थी, दीवार से हम थोड़ा सा दूर इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाएंगे
और वैसे ही हम अपने हाथ के पंजे को दीवार से चिपकाएंगे और अब हम साइड में इस तरफ हम दीवार की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे इस तरीके से और उसके बाद फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे। और यही चीज़ हमको यहाँ पर भी रिपीट करनी है। तो हमने यहाँ पर पंजा लगाया और अब हम दीवार को इस तरफ ढकेल लें, मतलब अपने हाथों से पंजे, हाथ के पंजे से, और ढकेल लें। और ये इस मसल्स का, ये जो आप देख रहे हैं एबडक्टर्स का, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको मजबूत करने के लिए। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, तो इसमें हमारे हैंड का मूवमेंट हो भी नहीं रहा है क्योंकि हम फ्रोजन शोल्डर में वैसे भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो ये हमारे एबडक्टर्स की भी एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक्सटर्नल रोटेटर्स को मजबूत करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वैसे हमको दीवार से थोड़ा सा बगल में इस तरीके से खड़े हो जाना है साइड में, और हम क्या करेंगे, हाथ को 90 डिग्री पर इस तरीके से रखेंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से रखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं कोहनी को दीवार से सटा देता हूँ, मेरा पंजा जो है वो दीवार से नहीं छू रहा है। अब मैं कोहनी से अंदर की तरफ धक्का दूंगा, तो जो मूवमेंट हम कर रहे थे एक्सटर्नल रोटेशन वाला, ये जो मसल्स जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनको हम मजबूत कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से। तो मैं कोहनी से अंदर की तरफ दीवार में धक्का दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा 4 से 5 सेकेंड। उसके बाद फिर मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इस हाथ से, इस पंजे से धक्का दूंगा। अब मेरी कोहनी जो है वो दीवार से नहीं छू रही है, अब मेरा जो पंजा है वो दीवार से छू रहा है, तो अब मैं पंजे को अंदर की तरफ दीवार में धक्का दूंगा। तो इस तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं वो ट्रेन हो जाएंगे, और ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की वजह से हमारे हैंड में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमें पेन वगैरह हो। और इसी तरीके से आप इस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरफ पहले पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर लीजिएगा, मतलब आप 10 रेप एक तरफ पूरे लगा लीजिएगा। जितनी भी हमने अभी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज देखी है, पहले एक साइड आप ख़त्म कर लीजिएगा 8 से 10 रेप, उसके बाद फिर आप अपोजिट साइड में करिएगा। मान लीजिए मैंने 10 बार इसको कर लिया है, तो अब मैं बाकी के 10 बार जो मुझे इधर राइट साइड में करना है तो वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले कोहनी लगा के मैं धक्का दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर 5 सेकेंड रुकने के बाद फिर अब मैं हाथ से धक्का दे रहा हूँ दीवार की तरफ, और मेरी कोहनी जो है अब वो दीवार से नहीं छू रही है। तो इस तरीके से हमारे एक्सटर्नल रोटेटर वाली एक्सरसाइजेज हो गई हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेटर्स की एक्सरसाइज, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस ट्यूब, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। तो ये इलास्टिक होता है ये, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं। ये इंटरनल रोटेटर की एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इंटरनल रोटेटर एक्सरसाइज करना, इंटरनल रोटेटर्स की एक्सरसाइज करना ज़रूरी भी काफ़ी है, क्योंकि कई मसल्स उसमें इन्वॉल्व रहती हैं जो हमें ये वाला मूवमेंट करने में मदद करती हैं, ये जो देख रहे हैं आप बाहर से अंदर की तरफ इंटरनल रोटेशन जो है। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, एक तो ये टेरेस मेजर आता है, और फिर पेक्टोरालिस मेजर आता है, फिर इसमें आता है लैटिसमस डॉर्सी आती है, और एंटीरियर डेल्टॉयड आता है इसमें, और सबस्कैपुलर्स आती हैं। तो इतनी सारी मसल्स हमें मदद करती हैं इंटरनल रोटेट करने में, तो इन मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में हम एक्सटर्नल रोटेशन भी करेंगे, एक्सटर्नल रोटेटर्स को भी हम मजबूत करेंगे। तो उसमें इंफ्रास्पिनेटस हो गया और टेरिस माइनर मसल्स हो गई, तो उनको भी हम मजबूत करेंगे। तो हमको करना कैसे है, अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, हम थोड़ा सा इसको पकड़ के, रेजिस्टेंस ट्यूब को पकड़ के थोड़ा सा रॉड से दूर खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस बन जाए। अब हम इंटरनल रोटेटर की एक्सरसाइज सबसे पहले करते हैं। तो हम कोहनी ऐसे चिपका लेते हैं और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे खींचते हैं, थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बना लेते हैं थोड़ा दूर होके। अब ये और बेहतर रेजिस्टेंस बन रहा है, अब हमको थोड़ी और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो मैं हाथ को अंदर ला रहा हूँ, तो जितने भी इंटरनल रोटेटर्स मसल्स की मैंने आपको नाम बताया उन सब पर काम हो रहा है। तो इससे आपके जाम कंधों को खुलने में मदद मिलेगी और आपके कंधे भी मजबूत हो जाएंगे। और फिर हम एक्सटर्नल रोटेशन वाली जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम हाथ को बाहर की तरफ खोलेंगे इस तरीके से। तो ये हम एक्सटर्नल रोटेटर पे काम कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है, पर ये एक्सरसाइज इंटरनल रोटेशन के लिए खास तौर पर ज़्यादा अच्छी होती है और ये काफ़ी इफेक्टिव होती है रेजिस्टेंस ट्यूब से। तो इसी के साथ एक्सरसाइजेज और भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर इसी बात पर फिर मैं मिलता हूँ सबसे एक नई वीडियो में वर्कआउट विद चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय।